हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं एक ही टेक्निक से तीन इयररिंग्स। सबसे पहले मैंने एक ट्रांसपेरेंट शीट पे 27,000 गम लगा ली है और उसमें मैंने लिए हैं लीव शेप के कुछ मिरर्स और उसमें मैंने कुछ इस पैटर्न में स्टिक कर लिया है। उसके बाद जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए उसके बाद हमें लेने हैं ग्लास कलर्स। यहाँ पे हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि एक तो ग्लास कलर की बॉटल को हमें शेक नहीं करना है, क्योंकि बॉटल को शेक करेंगे तो इस तरह से बबल्स बन जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ग्लास कलर की बॉटल को बिल्कुल भी शेक नहीं करना है। अगर हमारे बबल्स बन भी जाते हैं, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है आपको बन रहे हैं, तो हमें किसी भी पॉइंटेड चीज़ की हेल्प से, चाहे वो निडल हो, टूथपिक हो या कोई भी पतली सी वायर हो, उससे हम इस बबल को फोड़ सकते हैं। ये देखिए, हमने पिंक वाली बॉटल को ज़रा भी शेक नहीं करा है तो इसमें ज़रा से भी बबल्स नहीं बन रहे और कितना सुंदर कलर निकल के आ रहा है। इन ग्लास कलर को सूखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने लिया ब्लैक आउटलाइनर जो इस ग्लास कलर के साथ ही आता है। किसी किसी में गोल्डन भी निकलता है, पर मेरे में ब्लैक आया है तो इसमें हम चारों तरफ मिरर की आउटलाइन कर लेंगे और उसके बाद उसको प्रॉपर सूखने देंगे। सूखने के बाद हमें इनकी कटिंग कर लेनी है। चलिए फटाफट से कर लेते हैं इनकी कटिंग। इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें इनको आपस में अटैच करना है। उसके लिए लिए हैं कुछ आई पिन। तो आई पिन को हमें बीच वाले फ्लावर में दोनों तरफ लगाना है, ऊपर और नीचे की तरफ, और नीचे वाले फ्लावर में केवल ऊपर की तरफ लगाना है, और सबसे ऊपर एक छोटा आई पिन देके उसमें हमें स्टड लगा देना है। इन सबको सूखने देंगे। सूखने के बाद अब इन्हें आपस में अटैच करते हैं। एक आई पिन के अंदर हमें दूसरी आई पिन डालनी है, तो इस तरह से हमारे आपस में अटैच हो जाएंगे। और अब हमारे ब्यूटीफुल से इयररिंग्स हो गए हैं रेडी। आपको हमारा ये आइडिया कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में बहुत अच्छी मैंने आपको ट्रिक शेयर करी है। अब नेक्स्ट वीडियो मैंने लिए हैं बने बनाए इयररिंग्स। मेरे पास बहुत पुराने इयररिंग्स हैं तो मैंने इन इयररिंग को कन्वर्ट कर दिया इस इयररिंग्स में। एंड मैंने फिर से ग्लास कलर्स लिए हैं और इस इयररिंग्स को मैंने बहुत सुंदर सा कलर कॉम्बिनेशन दिया है। इसको बहुत ही कलरफुल बनाया है जिससे हम इसे किसी भी ओकेजन में कैरी कर सकते हैं और किसी भी आउटफिट के साथ इजीली मैच कर सकते हैं। कोई आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं लास्ट वाली ट्रिक पे जो सबसे अलग और सबसे यूनिक है। पहले यहाँ पे हम इयररिंग बना लेते हैं। उसके लिए एक मैंने बड़ा सर्कल लिया है, उसको ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद एक छोटा सर्कल लेंगे और उसको इसके अंदर हम ड्रॉ कर लेंगे। कुछ इस तरह से लगेगा। अब हमें लेने हैं आई शेप के कुंदन और हमें जो इसका आउटर सर्कल है उसके हमें चारों तरफ आई शेप के कुंदन लगा देने हैं। लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अब हमें लेनी है राइनस्टोन चैन। राइनस्टोन चैन के यहाँ पे हमें तीन लेयर्स लगानी है। इसका पैटर्न देख लीजिए हमें किस तरह से राइनस्टोन चैन लगानी है। ये हमने फर्स्ट लेयर लगा दी, इसके बाद हमने सेकेंड लेयर लगा दी। हमें राइनस्टोन चैन इस तरह से लगानी है कि जो इनर सर्कल से हमारा, उससे वो बाहर ना जाए, उसी के अंदर अंदर रहे, क्योंकि हमें इनर सर्कल खाली छोड़ना है। और उसके बाद थ्री आई शेप के जो कुंदन है वो अंदर की तरफ लगा दी, तो इसे हमारा प्रॉपर एक सर्कल रेडी हो गया है। इसके पीछे हमने दो आई पिन लगा दी इधर उधर। अब इसके ऊपर एक छोटा सा फ्लावर रेडी कर लेते हैं और उसके पीछे भी हम लगा देंगे आई पिन और एक स्टड इस तरह से। अब ये दो साइड के जो आई पिन्स हैं, इन दोनों आई पिन्स को हम नीचे वाले जो इयररिंग का बेस बनाया था उसमें हम अटैच कर देंगे। आई पिन को खोलेंगे और उसमें ही स्टक कर देंगे। यहाँ पे हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हम आई पिन को अच्छे से पकड़ के तभी खोलना है, नहीं तो कई बार होता है कि वो निकल जाता है। और उसके बाद हमें इस ट्रांसपेरेंट शीट की एक और लेयर इसके बैक साइड में चिपका देनी है, जिससे ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कभी निकलता नहीं है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, हमें एक आई पिन को सीधा खड़ा रखना है और एक आई पिन को हमें लेटा हुआ रखना है। हमारा इयररिंग रेडी हो गया। आप तो चाहे ऐसे भी पहन सकते हैं इसको, पर मैंने इसको दिया है ब्लू कलर, वो भी ग्लास कलर की हेल्प से। यहाँ पे ब्लू कलर की बॉटल में से गिर गई थी तो यहाँ पर बहुत सारे बबल्स बन रहे हैं और इतनी ज़्यादा फिनिशिंग भी नहीं आ रही है। आप इन कुंदन पे ग्लास कलर के एक से दो कोट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड कोट कर दिया है तो अब इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आ गई है। अब मैंने इसमें कुछ हैंगिंग्स रेडी कर ली हैं। इसके लिए मैंने फ्यूज वायर ली है, उसको बीच में से कट कर दिया है, एक सीड भी डाल दिया और एक एटमम का पर्ल डाल दिया है, और उसके बाद मैंने इसको लूप बना लिया है। तो इस तरह से हमारे ये हैंगिंग्स रेडी हो जाएंगे। ऐसे हमें बहुत सारे हैंगिंग्स रेडी कर लेने हैं जो मैंने ऑलरेडी कर लिए हैं। अब आई पिन को कर लेते हैं हम कट। इन आई पिन की बची हुई डंडियों को हमें फेंकना नहीं चाहिए। जब हमें स्मॉल जंप रिंग की ज़रूरत होती है तो हम इन्हीं बची हुई डंडियों से बनाते हैं। इसके लिए आप मेरा ज्वेलरी रॉ मटेरियल वीडियो देख सकते हैं।
अब हमें आई पिन को हमें ऐसे खड़े रख के चिपकाना है, ऐसे लेटे हुए नहीं चिपकाना है। तो हमें आई पिन को इस तरह से खड़े करके ही चिपकाना है। यहाँ पे मैंने 5 आई पिन का यूज़ किया है, आप ज़्यादा भी आई पिन का यूज़ कर सकते हैं। अब जब ये प्रॉपर सूख जाए उसके बाद जो हमने हैंगिंग्स रेडी किए थे ना, हमें वो लगाने हैं। एक हैंगिंग हमें इसके बीच में लगाना है और बाकी सारे हैंगिंग्स हमें नीचे की तरफ लगाने हैं। अब हमें नीचे के साइड पहले 2 लॉरियल्स डालने हैं, उसके बाद एक 8 mm का पर्ल डालना है जो हमने हैंगिंग रेडी करी थी वो वाली, उसके बाद 2 लॉरियल्स डालने हैं, उसके बाद हमें बंद करना है। इस तरह से हमें नीचे वाले सारे हैंगिंग्स रेडी कर लेने हैं। यहाँ पे मैंने टीके की एक टेक्निक और लगाई है। यहाँ पे हम नॉर्मल टीका नहीं बनाएंगे, हम बोरला स्टाइल में टीका बनाएंगे जो थोड़ा उठा हुआ होता है। तो पीछे जो हमने स्टड लगाया था उसको हम एक लूप बना देंगे और एक पर्ल चैन लेंगे, वो इसके अंदर हम लगा देंगे, उसके बाद हम लूप को बंद कर देंगे। जो हमारा टीका है वो थोड़ा उठा हुआ बनेगा जैसे बोरला स्टाइल में बना हुआ होता है, ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये थी आज की हमारी 3rd ट्रिक। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम हर एक कमेंट का आंसर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।